हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान है और एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने मोबाइल को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं कि हमें पता चल सके कि हमारा मोबाइल ओरिजिनल है या नहीं है, हम कैसे ये जान सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को इस बात का पता हो या वो जानते हों कि ये कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा 90% लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो कैसे यूज़ करना है या कैसे उसको चेक करना है कि हमारा मोबाइल ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए है। अगर आप जानते हैं तो आप ये वीडियो स्टॉप करते हैं क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेरा चैनल है इमरान परदेसी के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे तकरीबन हर एक दो दिन बाद कोई ना कोई वीडियोज़ जो कि लैपटॉप या इंटरनेट के बारे में या एंड्रॉयड के बारे में अपलोड करता रहता हूँ। तो उम्मीद है इसका आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल ओरिजिनल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के जो डायलिंग स्क्रीन है उसको ओपन करें, जहां से आप किसी को भी कॉल करनी हो तो ओपन करते हैं। तो यहां पे आपने जस्ट डायल करना है *#06#। ये या आप याद रख लें, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा साथ ताकि आपको ये कोड याद रहे। उसके बाद आपके मोबाइल का जो ईमी नंबर है, जो कि IME नंबर होता है जिसको कहते हैं शॉर्टकट, वो ओपन हो जाएगा। जब ये नंबर ओपन हो जाए आप ऊपर देख सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसको कहाँ पे आपने यहाँ से आप कॉपी कर लें या कहीं पर लिख लें, और मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ आपने वहाँ पर इसको पेस्ट करना है, वो आपको बताएगी कि ओरिजिनल है या नहीं। तो चलिए वो वेबसाइट ओपन करते हैं। यहां पे आपने लिखना है www.imei.info, उसके बाद आप इंटर कर दें। तो देखें, ये imei.info वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है जहाँ पे इंटर IME नंबर जो है, आपने यहाँ पे अपना जो ये मोबाइल पे भी हम ये आपको बताता हूँ, ये अभी जो आप देख रहे थे ये जो नंबर आपको शो हो रहा है आपके जो मोबाइल पे, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पहले वो नंबर। उसके बाद नीचे एक होगा I am not a robot, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो कि कह रहा है कि जो स्टोर का फ्रंट है आप उस पर क्लिक करें। तो एक यहाँ पे ये है कि ये है और एक ये, उसके बाद आप यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए वेरीफाई, उसके बाद आपने यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है जहाँ पे लिखा है ये ब्लू कलर में चेक। अभी चेकिंग हो रही। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सामने मुकम्मल जो डिटेल है ये ओपन हो चुकी है। ये कौन सा मॉडल नंबर है, J5 है ये, और गैलेक्सी J5 है। उसके बाद ये नीचे ब्रांड सैमसंग है, उसके बाद ये इसका जो IME नंबर है, उसके बाद यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप नीचे देख सकते हैं कि जो कि डिवाइस टाइप है वो है स्मार्टफोन। उसके बाद डिज़ाइन क्लासिक है, रिलीज ये 2015 का है, ड्यूल सिम यस, GSM, माइक्रो सिम। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मुकम्मल डिटेल है, आप ये देख सकते हैं। अगर आप और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा रीड मोर, आप उस पर क्लिक कर दें। तो ये देखें आप, ये नीचे मुकम्मल डिटेल आपके मोबाइल की बता देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद भी यही होता है, कई दफ़ा आप कहीं कोई मोबाइल जब लेते हैं तो आपके जहन में होता है यार मेरे साथ कहीं धोखा ना हो जाए, या ओरिजिनल है भी या नहीं है। तो आप वहाँ, क्योंकि कई दफ़ा वो जो मोबाइल ऊपर से देखने में कुछ और होता है लेकिन मोबाइल अंदर में कुछ और, उसके जो चीज़ें होती हैं वो कुछ और होती हैं।
तो कई दफा ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो भी चुका होगा कि उनको धोखा दे दिया गया। कोई चाइना का जो लोकल ब्रांड है वो उनके साथ, मतलब उन्होंने दे दिया और कहा कि ये ओरिजिनल है। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल जब भी लें, आप खुद चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। और यहाँ पे लाखों जो है लोग रोजाना चेक करते हैं अपने मोबाइल को। ये ऐसी कोई वेबसाइट नहीं जिससे आपके मोबाइल को कोई प्रॉब्लम हो। ओके फ्रेंड्स, तो जो लोग लैपटॉप यूज नहीं करते और उनके पास जस्ट मोबाइल है, वो चेक करना चाहते हैं कि उनका मोबाइल ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है, तो उनको मैं मोबाइल पे भी बताता हूँ। सेम ये जैसे कि आपने लैपटॉप पे किया, यहाँ पे आप मोबाइल अपना ओपन करें, अपना जो गूगल ब्राउजर है या गूगल क्रोम ब्राउजर है या कोई भी है, वहाँ पे लिखें। दोबारा यहाँ पे आपने लिखना है वही सेम www.imeiinfo, उसके बाद उसके ऊपर क्लिक कर दें। आप वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम वेबसाइट वहां पे ओपन हो जाएगी जो कि आपने लैपटॉप में पहले देखी थी, जो मैंने आपको वहां पे बताया था। जब ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, तो आप देख सकते हैं वही सेम है। आप यहाँ पे अपना जो IMEI जो नंबर है वो यहाँ पे लिख दें। मैं यहाँ पे अपना जो नंबर है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उसको वेरीफाई कर दें। जो वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे आप चेकिंग पे क्लिक कर दें। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये देख सकते हैं ये J5 है जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ IMEI नंबर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस टाइप है जो स्मार्टफोन है, डिजाइन क्लासिक, ड्यूल सिम, सिम कार्ड साइज, और ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल के आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका मोबाइल दो नंबर होगा, अगर आप वो IMEI जो नंबर है यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं निकालेगा बिल्कुल भी। तो आप समझ लें कि आपके मोबाइल में कुछ गड़बड़ है या आपका मोबाइल दो नंबर है। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो थी जो कि मैं, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों काफ़ी दिन से कह रहे थे कि अपलोड करूँ। तो दोस्तों, इंशाल्लाह फिर किसी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।